देशभगत यूनिवर्सिटी, अमेरिका स्कूल ऑफ मेडिसिन और करियर इंटेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जालंधर के सहयोग से MBBS एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य छात्रों को मेडिकल डिग्री हासिल करने के मार्गदर्शन के साथ साथ उनके करियर की संभावनाओं और मेडिकल क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों को समझने में मदद करना था। इस सेमिनार में देशभगत यूनिवर्सिटी द्वारा सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में स्थापित अपने दूसरे कैंपस की जानकारी दी गई, जो उत्तरी अमेरिका में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। ये कैंपस छात्रों को अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्लिनिकल रोटेशन और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का अवसर देता है, जिससे उनका भविष्य चिकित्सा क्षेत्र में मजबूत होता है। सेमिनार में MBBS के पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया और USMLE जैसी परीक्षाओं की तैयारी पर भी व्यापक जानकारी दी गई। इस सत्र का सफल समन्वय CINIPS की CEO कोमल बुधराजा द्वारा किया गया और इसमें जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा, शिक्षाविदों, डॉक्टरों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर हर सदावर्ती वाइस प्रेसिडेंट देशभगत यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़ के नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत पुराना और मन्ने हुए नाम है। यूनिवर्सिटी नवा वेंचर लेके आई है अपना देशभगत यूनिवर्सिटी अमेरिकास MBBS कोर्स सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस नॉर्थ अमेरिका के असी जालंधर के एंड वी आर प्रमोटिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि साडा पहला तो मेडिकल एजुकेशन बहुत नाम सेगा और सानू बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पोंस आ रहा है कि स्टार्ट विद MBBS प्रोग्राम इन इंडिया। असी देखा कि इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट इन इंडिया, बिकॉज ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे थे एंड वी थॉट ऑफ हैविंग अ ग्लोबल कैंपस भी बाहर खोलिया। और सब तो वड्डी खासियत है प्रोग्राम की पाथवे टू US, इतने पढ़ के बच्चे US जाने की बहुत वड्डी अपॉर्चुनिटी है। 5 साल का कोर्स है, 3 साल बच्चा कैरेबियन आइलैंड के भी नॉर्थ अमेरिका पढ़ूगा और 2 साल की क्लिनिकल रोटेशन US UK होर भी किसी भी कंट्री के कर सकता है। और द बेस्ट पार्ट यह है कि स्टूडेंट उत्थे उतो बाद जो USMLE के एग्जाम क्लीयर करता रूल लाइसेंस के तो रेजिडेंसी भी उन्होंने मिल सकती है, उत्थे MD MS भी कर सकता बच्चा, नाल उन्हों अराउंड $6,000 to $8,000 उन्होंने स्टाइपेंड भी मिलेगा बच्चे में। तो क्योंकि असं देख रहे हैं कि इंडिया के सिर्फ 70,000 के आसपास MBBS की सीट से और बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन MBBS वो सारे जानते हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी तो पहला भी स्कॉलरशिप बहुत करता वा, कुड़िया की शक्ति स्कॉलरशिप भी लैके आया वा और जो अंडर प्रिविलेज गरीब बच्चे उन्होंने भी बहुत तरह के कोर्सिज चलते हैं, ये भी असी ईजी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं ताकि वध तो वध बच्चे ये पढ़ सकन। और जी हाईएस्ट डिग्री आप मानते हैं मेडिकल एजुकेशन MBBS है, हर बच्चे की जोड़ा भी मेडिकल करता वा वो ड्रीम होंगी है पर कर नहीं पाते किसी कारणवश, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देशभगत यूनिवर्सिटी लैके आए। आई एम थैंकफुल टू ऑल मीडिया एवरीबडी फ्रॉम जालंधर कि सानू इन्नी सपोर्ट की, काइंडली ऑलवेज कीप गाइडिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सबसे पहले आप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ से बुलाया। देशभगत यूनिवर्सिटी जिस तरह की भाई साहब ने भी बोला है बहुत अच्छी है। मैं अपनी ओर से आपको इस बात की शोर भी देता हूँ कि जालंधर में नहीं पूरे पंजाब में आपको किसी तरह की जरूरत हो, मैं पर्सनल तौर से खुद भी और हमारी सरकार भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी इस बात पर, मैं आपको क्योंकि हमारा विजन यही है कि बच्चे पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि नौकरियां इतनी नहीं दी जा सकती, पर अगर हम इस काबिल बन जाएं कि किसी को नौकरी देने के, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरा जो आपका विज़न है मेडिसिन के थ्रू, मेडिकल के थ्रू, उसकी भी मैं दाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ों की हमारे पंजाब को ही नहीं पूरे भारत को जरूरत है। पंजाब को सुंदर, रंगला पंजाब और अच्छा पंजाब बनाने के लिए जो आप कर रहे हो वो पंजाब सरकार भी आपकी ऋणी है। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरा आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से पूरी आपकी मदद हूँ। जय हिंद सर। भावना से भी जोड़ रहे और एक पेट्रियोटिक
नेम है और ये कैसे आया कि हमारे जो चांसलर सर के फादर सरदार लाल सिंह सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में थे और उन्होंने जंग लड़ी देश के लिए और ताम्रपत्र मिला 1972 के लिए, उसके बाद से देश भगत जो है ये ग्रुप का एक ब्रेन चाइल्ड आया कि हमने कुछ देश के लिए करना, तो वी देन स्टार्टेड आर ऑल इनसे एजुकेशन वर्टिकल्स। तो मेडिकल के अंदर काफ़ी कुछ हमारे पास चल रहा था, वी हैव आयुर्वेदा डेंटल नर्सिंग फार्मास्यूटिकल पैरामेडिकल काफ़ी कुछ था, बहुत पुराना चल रहा है। तो अभी हमारा एमबीबीएस प्रोग्राम